जैसे कि आज हमारे शॉप पे एक सैमसंग J4 का 600 आए हैं, जिसमें कि चार्जिंग का इशू है। चार्जिंग लगाने पे यह हमारा प्रॉब्लम है कि देखिए इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम क्या है। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि चार्ज लगाने के बाद ये देखिए सिम्बल आ रहा चार्जिंग एरर का। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करने का बहुत डायरेक्टली और इजी सोल्यूशन आप लोगों को देते हैं। हाय फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम आता है ना अक्सर ये थर्मिस्टर का प्रॉब्लम होता है या तो VPIC का, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसका प्रॉब्लम कहाँ है और हम डायग्नोस करके आपको बताते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, उसके बाद अब हम मल्टीमीटर को वोल्ट रेंज पे सेट करेंगे, उसके बाद ग्राउंड पे रखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे जैसे कि आप मीटर में देख पा रहे होंगे कि 4.2, 4.3 हमारे को बराबर मिल रहा है, यानी कि मेरा चार्जिंग पिन ओके है, चार्जिंग पिन भी ओके है और हमारा OBP IC भी ओके है। तो हमारा ये प्रॉब्लम थर्मिस्टर से है। चलिए मैं स्केमेटिक डायग्राम के साथ आप लोगों को बता देते हूँ। ये लैपटॉप में देखते हैं, ये यहाँ पे थर्मिस्टर लगा हुआ है सर, देख पा रहे होंगे लैपटॉप में कि ये दीपक जी थोड़ा कैमरा ये देखिए, ये जो ब्लू टाइप के जो दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है TH3000, ये हमारा थर्मिस्टर है और यही थर्मिस्टर से हमारा ये प्रॉब्लम आता है चार्जिंग को सेट का सैमसंग में अक्सर। ठीक है, थर्मिस्टर बोल दिया ना इनको दे दे रहे हैं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो मैं अभी स्कीमेटिक डायग्राम में आपको दिखाया कि थर्मिस्टर, तो ये हमारा वो थर्मिस्टर है ना, देख पा रहे होंगे आप लोग। दीपक जी थोड़ा जूम कीजिए आप कैमरा, देखिए ये जो है ना कि देखिए एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर और ये हमारा जो है ना ये थर्मिस्टर है जो मैंने TH3000 के नाम से स्कीमेटिक में लेआउट में दिखाया हुई है ना। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि ये थर्मिस्टर से प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए फ्रेंड जैसे कि मैं अभी थर्मिस्टर निकाल रहा हूँ, बोर्ड टू बोर्ड सेट करूँगा, नहीं हुआ ठीक कर दिया सर। तो जैसे कि फ्रेंड्स ये हमारा थर्मिस्टर इंस्टॉल हो गया, चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो किसे खोल कर लगाया तुम? देखना नहीं बनेगा उसका। तो जैसे फ्रेंड्स अभी दूसरा थर्मिस्टर डालेंगे, ये देखिए सर थर्मिस्टर है हमारा, ये देख रहे इधर देखिए ये हमारा थर्मिस्टर है। इसी के वजह से हमारा ये हैंडसेट में चार्जिंग पुसेड और चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे, इसको फिट करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये हमारा चार्जिंग उठा रहा है या नहीं, ले रहा है कि नहीं, है ना। तो आइए दीपक जी थोड़ा इधर आना। तो देखिए जैसे कि बैटरी को हम इसमें लगा दिए हैं और हम चार्ज को चार्जर केबल को इन करेंगे और देखेंगे कि हमारा वो प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं और चार्ज ले रहा है या नहीं। तो जैसे कि एम्पियर में भी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, दीपक जी थोड़ा कैमरा इधर कीजिएगा, देखिए 40 एम्पियर हमारा ले लिया, 0.40 एम्पियर। तो देखिए सर जॉब डन हो गया है ना। तो हमारा ये जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था देखिए जॉब डन हो गया। दीपक जी थोड़ा कैमरा नहीं दिख कीजिएगा, देखिए